स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? बता दीजिएगा जब स्क्रीन देखने यस लगे सर, तो। यस सर, तो यस सर, यस सर, तो ये बिल्कुल एक सही। सिंगल इम्पॉर्टेंट मैप मुझे बहुत अच्छा मिला इंटरनेट पर, और मैं समझता हूँ ये विकिपीडिया पर ही था ये शायद, हाँ। और ये जरूर आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये दरअसल आम आदमी के लिए, ट्रेवलर के लिए, एक यात्री के हिसाब से बनाया गया है, एक पर्यटक के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। तो पर्यटक के बारे में आप पर्यटक को क्या बताएंगे अपने क्षेत्र के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मशहूर, सबसे रुचिकर क्षेत्र जो होंगे वही बताएंगे। तो वो उस सारे का एक ये बहुत ही अच्छा सा मुझे एक संकलन लगा, तो इसलिए मैं ऐसा चाहता हूँ कि इस कम से कम इन जनरल चीजों पे आप कभी मिस ना हो। ये तो कम से कम मालूम हो कि जो सबको मालूम, पर्यटक तक को मालूम है वो तो मालूम हो कम से कम, यूपीएससी की तैयारी करने वाले को। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगहें जो है सारी दी हुई है, और आप इंटरनेट पर करके देख लीजिएगा गूगल कि ये क्यों मशहूर है, आके मशहूर है तो क्यों, प्लेसेस टू विजिट, किस चीज के लिए जाना जाता है, बहुत सारे नेशनल पार्क दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा है ये जरूर आप एक बार देख लीजिएगा, और फिर मतलब इसका कोई अंत नहीं है, फिर तो ये चलता ही रहेगा, कितना भी आप पढ़ते जाइए तो अलग अलग पक्ष निकलते आएंगे। लेकिन एक मुख्य पक्ष जो इसका है वो है इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी रही है काफी समय तक, काफी समय तक उग्रवाद का सामना करना पड़ा है, अब धीरे धीरे वो चीज खत्म होती जा रही है, फिर भी आपको उस अतीत के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता इसमें बना दिया है। इस चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि कौन से राज्य में किस प्रकार के कौन कौन से जो है वो उग्रवादी संगठन रहे हैं, और उनकी क्या क्या डिमांड रही है वो हम आगे पढ़ लेंगे। सबसे बृहत समस्या अगर मैं कहूँ, सबसे अधिक तो आसाम का जो इलाका है वो उससे पीड़ित रहा है बहुत समय, अलग अलग तरह की समस्याएं आती जाती रही, जिनका एक हल्का सा ब्रीफ ओवरव्यू जो है वो हमने कल भी देखा था। मुख्य रूप से आप जान लीजिए, मैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना चाहता, मैं मुख्य बात बताना चाहता हूँ जो आपके ध्यान में रहे हमेशा, कि यहाँ दिक्कत आई तो क्यों आई, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत होने का सबसे बड़ा कारण देखिए, समझिए इस बात को, बांग्लादेश से इसकी सीमा बहुत अधिक मिलती ही है, ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा कारण जो रहा यहाँ के अनरेस्ट का, वो था इन्फ्लक्स ऑफ इनलीगल माइग्रेंट्स एंड एंटी फॉरन एजुटेशन, बाहर के लोग, एक तो वो बाहर के लोग यहाँ के बस रहे हैं, तो ये था। दूसरा जो बांग्लादेश से आने वाले जो लोग हैं इलीगल इन्फिल्ट्रेंट्स, वो सबसे मूल कारण यहाँ के असम। हर राज्य की समस्या थोड़ी थोड़ी अलग है, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट कहने से नहीं चलेगा, ठीक है। हर सब राज्य का थोड़ा थोड़ा मैं बताता जाता हूँ आपको। तो असम की मुख्य समस्या ये आप समझ लीजिए, ठीक है। दिक्कत क्या हुई कि असम आप जानते हैं उसी समय असम में जो है वो तेल और चाय, विशेष रूप से चाय, चाय का तो कारोबार, चाय का जो है क्षेत्र वो हमेशा से रहा है, लेकिन होता क्या था कि चाय उगती थी वहां और वहां का बिजनेस कंट्रोल होता था वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से। तो एक उनके लोगों में ये भावना बैठती जा रही थी कि हमारा ही, हमारा ऑयल, हमारा टी, ये सब एक्सप्लॉइट करके हमारे सारे रिसोर्सेज ले जा रहे हैं, संसाधन सारे, और उसके ऊपर से बाहर से आके लोग बस रहे हैं, लूट रहे हैं हमको जो है, फिर हमारा डेमोग्राफी भी चेंज कर देंगे, चुनाव के समय जो है हम लोग माइनॉरिटी में हो जाएंगे, बाकी के लोग मेजॉरिटी में हो जाएंगे। तो इस तरह की चीजें जो है वो परेशान करती रही उनको, उनके चिंता रही। और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू ने जो है वो फिर एजिटेशन स्टार्ट किया इस चीज का, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और उन्होंने डिमांड की कि जो 1951 का जो नेशनल रजिस्टर है सिटीजनशिप वाला जो है ना, उसके आधार पर ही डिसाइड किया जाए कि कौन वोट देगा और कौन नहीं देगा, कौन आसामी है और कौन नहीं है। जो लोग बाहर से आके बसे हैं जिनका उसमें नाम नहीं है, वो उनको हम लोग नहीं मानेंगे कि वो यहाँ के हैं, और उनको कोई अधिकार और नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। वो एजिटेशन बढ़ा तो स्टेट ने उसको सप्रेस करने का प्रयास किया, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हुआ क्या कि उससे उग्रवाद जो है वो पनपना शुरू हो गया उससे। और उल्फा जो संगठन हमेशा आप नाम सुनते आए होंगे, उल्फा का सृजन वहां से हुआ, ठीक है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। बाद में फिर मुख्य मुख्य घटनाएं मैं सिर्फ बता रहा हूँ, एक समझौता हुआ, असम समझौता 1985 में हुआ, बोडो ऑटोनोमस काउंसिल अकॉर्ड 1993 में हुआ, उसके 10 साल बाद फिर बोडो कार्ड हुआ, और अब 17 साल बाद ऐतिहासिक एक समझौता, अब जाके मोदी सरकार जो है, भारत सरकार ने जो है वो बोडो पीस अकॉर्ड किया 2020 में, 2020 में, पिछले ही साल, ठीक है, इसलिए आपको जाने रहना चाहिए। तो बोडो लैंड कौन सी है भाई, बोडो टेरिटोरियल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट हैं कोई बताएगा सर? चार डिस्ट्रिक्ट, चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नाम बता दीजिए इसी बात पे सर। कोकराझार, बिल्कुल, उदलगिरी, बक्सा, ओके, और एक लास्ट याद नहीं आ रहा, सॉरी सर।
सॉरी ये गलत पेज खोल रहा हूँ। हाँ बताइए ना, मैं बता देता हूँ। मुझे मुझे सर मुझे याद है संजोग से, एक बक्सा है, ठीक है, जी बक्सा सर तो याद ही होगा, एक हो गया, जी बक्सा, सबसे कोकराझार नजदीक सर, कोकराझार हो गया, ठीक है, उदलगिरी सर, उदलगिरी हो गया, और चार डिस्ट्रिक्ट थे ना, यस सर, चिरांग, फोर्थ। थैंक चिरांग, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल चिरांग, यू सर, चार मैं डिस्ट्रिक्ट जो नोट कर मिला लूँ सर, के चिरांग। बनाते थैंक यू सर। हैं, ठीक है। अब तीन अलग अलग चीजें हैं, तीनों को अलग अलग दिमाग में करके तब समझिएगा। असम की समस्याएं हैं, लेकिन ये तीनों अलग समस्याएं हैं, गड़बड़ाइएगा मत, ठीक है। पहली समस्या बोडोलैंड की है, वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। बोडोलैंड की समस्या यहीं तक सीमित है, देखिए मुख्य भौगोलिक रूप से ये यहाँ तक सीमित है, ये है बोडोलैंड की जो डिमांड है, ठीक है। फिर कार्बी आंगलोंग ये है, ठीक है, समझ गए बात। कार्बी आंगलोंग का इलाका ये हो गया। फिर जो दीमा राजी का इलाका है वो ये वाला इलाका है। तीन अलग अलग जगह से अलगाववाद की डिमांड जो है उठती रही, तीनों को अलग अलग ही समझिएगा, ठीक है, मिलाइएगा मत इसको। देखिए बोडोलैंड की क्या समस्या है भाई, 1987 से जो है सेपरेट बोडोलैंड की मांग हो रही है। ये इसमें मैं बता देता हूँ क्या हुआ है, इसमें ज्योग्राफी इन्वॉल्व है भाई, इसको समझिए। ये है ब्रह्मपुत्र, देखिए ये ब्रह्मपुत्र है, चलिए आ रहे, रुक गए, कलर चेंज कर देता हूँ आपको दिखने लगे। ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी का उत्तरी इलाका है, ठीक है, पूरा उत्तरी इलाका है। लोग आ आके यहाँ से जो बसने लगे ना, तो इन सब अगल बगल के इलाकों में सारे बस गए। अब दिक्कत क्या हुई मैं बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लोग जो आके बाहर से बसा ना, इन लोगों का जो एग्रीकल्चरल स्किल्स वगैरह है वो बहुत ज्यादा था, तो ये लोग बहुत कम समय में वहां पर आके बाहर से एक तो बसे, दूसरा बहुत संपन्न हो गए। अच्छा संपन्न हो गए तो क्या हुआ, संपन्न हो गए तो उनके पास पैसा आ गया, और पैसा आ गया तो उन्होंने उनकी जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं बोडो वाले, उनका सबका जमीन खरीदना शुरू कर दिया, बहुत सारा जमीन खरीद के उनको माइनॉरिटी जैसा स्टेटस में कर दिया। ये बात समझ गए आप, तो इसलिए ये जो यस मूल सर, समस्या जो है वो ये है, सामाजिक और आर्थिक पक्ष उसका ये है। तो इस प्रकार बोडोलैंड की मांग शुरू हुई ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ने, फिर बोडो अकॉर्ड वगैरह हुए, हम आपको बता ही चुके हैं। भारत सरकार ने बहुत बार प्रयास किया, टेरिटोरियल काउंसिल्स बनी, उनको डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन करने की ऑटोनोमी दी गई, स्वतंत्रता दी गई कि ठीक है आप अपने डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पे जो है आप करना चाहते हैं उसको आप मैनेज कीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। सारे पावर्स दिए, लेजिस्लेटिव पावर्स तक दे दिए, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल तो दिए ही, वित्तीय पावर भी दिए, सब कुछ दिया उनको, ऑटोनोमी में आप काम करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलता रहा, और अलग अलग तरह के जो है NBFD हो गया, इस तरह के बहुत सारे जो है वो बनते रहे, बहुत सारे अलग अलग संगठन बनते रहे। तो ये बोडोलैंड की समस्या है, साथ साथ बाकी का भी समझ लीजिए। दूसरी जो समस्या है वो कार्बी एंगलोंग की समस्या है। इस बात को समझें आप, ये जो है जो ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट्स वहां पर होते हैं, ठीक है, स्वायत्त पहाड़ी जिला ऐसा कुछ नाम होगा, पहाड़ी कुछ ऐसा करके होगा, ठीक है। तो जो ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मिकिर हिल याद है ना आपको, मिकिर मिकिर वाला इलाका जो है, यस सर, यही यस सर, यही पे तो है, यस यही सर, इस इलाके में है ना, तो वही नीचे कार्बी एंगलोंग है, तो वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है असम का, ठीक है, और सबसे बैकवर्ड्स में से भी, सबसे पिछड़े इलाकों में से भी है। अब आप जोड़ पाएंगे सारी सूत्र समझदारी से। तो जो कार्बी ट्राइब के लोग हैं वो अलग सेपरेशन का डिमांड कर रहे हैं कि हमको सेपरेट कर दीजिए भाई, क्योंकि वहां पर कार्बी और रेंगमा, मिकिर और रेंगमा दो हिल पड़े थे ना, तो कार्बी भी एक जनजाति है और रेंगमा भी एक जनजाति है, उनमें आपस में भी बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। फिर उसके ठीक ये इलाका उससे प्रभावित है। अब यहाँ नागा मूवमेंट भी यही चल रहा है, नागा आंदोलन इधर चला रहे हैं लोग, फिर NSCN वगैरह, इसमें सब सारे उग्रवादी संगठन, सबसे उनको सपोर्ट भी मिल रहा है, हवा मिल रही है, वैसा ही माहौल बना हुआ है, ठीक है, उग्रवाद का। तो ये हुआ कार्बी आंगलोंग का कंफ्लिक्ट हो गया कि वो अपना मांग रहे हैं कि हमको भी सेपरेट कर दीजिए भाई। इसके ठीक नीचे का जो इलाका है वो है दीमा राजी की मांग हो रही है कि हमको दीमा लोग जो है, दीमा सा जो लोग हैं उनके लिए भी हमारा एक अलग लैंड, अपना एक अलग राष्ट्र जैसा होना चाहिए, स्वायत्त होना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट थोड़ा बहुत, गवर्नमेंट ने जो है स्टेप्स लिए हैं, तो ऑटोनोमस काउंसिल बना देते हैं कि अच्छा ठीक है आपका कल्चर एकदम अलग है, आपकी संस्कृति, आपकी एथनिसिटी अलग है, तो हम आपको बहुत सारे मैटर्स में जो है वो ऑटोनोमी दे देते हैं, लेकिन आप भारत के संविधान के अंतर्गत रहेंगे और भारत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उससे आप बाहर नहीं जा सकते, आपको जो ऑटोनोमी चाहिए वो हम आपको दे देते हैं। तो इस प्रकार से ऑटोनोमस काउंसिल्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के लिए सारी देती जाती रही है। तीसरी समस्या दरअसल एकदम बाई तरफ है इस इलाके में, मैं दिखाता हूं आपको। जो तीसरी समस्या की मांग हो रही है कमतापुर, वो इस इलाके में है, दिखा देता हूं मैं, यहां इस इलाके में है समस्या, ठीक है। उसमें क्या दिक्कत हो रही है,
जो है राजवंशीज, राजवंशीज करके जो लोग हैं, कम्युनिटी है, वो लोग कमतापुर नेशन, राष्ट्र की मांग कर रहे हैं कि कमतापुर करके हमारा एक राष्ट्र होना चाहिए, कमतापुर करके। ठीक है, इसमें वेस्ट बंगाल और आसाम के कुछ हिस्से हैं, ये उत्तरी वेस्ट बंगाल के कुछ इलाके हैं, और जो है छह छह जिले बंगाल के हैं इसमें। ठीक है, और जो बाकी का इलाका है वो कोकराझार, बोगाईगांव, धुबरी और ग्वालपारा, ये वाले इधर है। ये कोकराझार तो आप समझ ही गए है ना। देखिए कोकराझार तो आप जान गए होंगे आई थिंक। जी सर, कोकराझार तो बोडोलैंड में भी एक जिला आता है, बोडोलैंड का पहला वो बताया ही थे कि कोकराझार तो यही हो गया। फिर यहाँ पर ये ग्वालपारा वगैरह के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये वाले इलाके हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ का लेकर और इधर का लेकर ये बता रहे हैं कि हमारा एक अलग राज्य ही कर दीजिए। अब और इसमें एक समस्या, एक पेंच और है कि इस तरफ यहाँ गोरखालैंड की भी मांग हो रही, सुने होंगे। यस तो अब सर, गोरखालैंड वाले यस सर, जो जी ये सर, कामतापुर मांग रहे गोपालन का हैं, बराबर है। जो ये कामतापुर मांग रहे हैं, उसमें से कुछ इलाका गोरखालैंड का भी उसमें है। तो इस तरह से चीजें फंसी हुई है बहुत बुरी तरह से। बोडोलैंड का एक जिला कामतापुर में है, कामतापुर का कुछ इलाका गोरखालैंड जो मांग कर रहे हैं, जो बरुआ उरुआ टाइप के सब तमाम नाम आते रहते हैं, सुना होगा आपने, है ना। यस सर, तो इसलिए इस पूरे प्रकरण को आपको इसका जियो पॉलिटिक्स समझना जरूरी है। तो ये कहते हैं कि खेन डायनेस्टी जो थी हमारी, खेन साम्राज्य जो चला करता था 12वीं से 15वीं सेंचुरी में, उस समय उसमें हम अलग ही थे, बाद में हमको एक किया गया, हम तब से अलग थे, तो हमको जैसे हम तब थे वैसे ही हमको कर दिया जाए, ये इस प्रकार की वहां पर मांग हो रही है। तो आप तीनों चीज समझ गए, मैं मान सकता हूँ तीनों का मतलब समझ गया, क्या मतलब डेटा नहीं रटाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जी आप सर, समझ जाएं कि भाई इस इलाके में दिक्कत है और इस प्रकार की दिक्कत है ना। ये आपका ही नोट्स है, आपके पास रहेगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। जी सवाल आता है कि क्या घटनाएं बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं? तो बहुत ड्रास्टिकली कम हो रहे हैं, इंसर्जेंसी की जो घटनाएं हैं वो तेजी से कम हो रही हैं। ठीक है, मजबूत सरकार का आना, केंद्र में बहुमत से आना, और फिर विकास का जो है वो कोने कोने तक पहुंचना, टेक्नोलॉजी का, ये बहुत सारी जिम्मेदारी इसलिए, और जो है शिक्षा का बढ़ना, शिक्षा वो बढ़ जाना, रोजगार का बढ़ना, ये सब सारे अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस प्रकार से कमी आई हुई है, ये डेटा है, आंकड़ा है भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ होम, गृह मंत्रालय का डेटा है, कि जो है बहुत कम हो गया है 2019 में आते आते, जो है कैजुअलिटीज कम होती चली जा रही है। ठीक है, अब करंट अफेयर्स के हिसाब से बोडो पीस अकॉर्ड हुआ है, उसके सारे हाइलाइट्स, 13 पॉइंट्स जो हाइलाइट्स है वो सारे हमने लिख दिए हैं। मुख्य रूप से बात ये हुई, यह आ ही गया, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगिरी सारे डिस्ट्रिक्ट आ गए। इनमें क्या क्या माना गया है, क्या सरकार ने क्या बोला कि चलिए ठीक है हम ये कर देंगे, आप अलग राष्ट्र वगैरह की मांग छोड़ दीजिए, और उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने ड्रॉप कर दिया है बोडोलैंड का सेपरेट डिमांड, लेकिन ये फैसिलिटीज उनको दे दी जाएंगी ऐसा बोला गया है। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, सब आपके नोट्स में रहेगा। जी सर, अरुणाचल प्रदेश की क्या समस्या है, आप थोड़ा जल्दी स्पीड से चलते हैं, आप लोग ध्यान फोकस अब रखना पड़ेगा, मैं जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ इसको। इंटरनेशनल बॉर्डर्स का क्लोज होने का एक नुकसान झेलना पड़ता है इस मामले में हमको, है ना। हम लोग बात कर चुके हैं इस पे कि जो भूटान से जो है जुड़ा हुआ है, चाइना से जुड़ा, म्यांमार से जुड़ा हुआ है लोग, तो कहीं से भी पोरस बॉर्डर होने की वजह से दिक्कत आती है इन लोगों को। ठीक है, मुख्य रूप से जो है इसमें जो मांग होती थी, यहाँ का जो लोकल डिमांड है वो समझ लीजिए, लोकल डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो एक ही मेजर ग्रुप है। ठीक है, वो तानी लैंड, ये बोलता है कि जो तानी लोग हैं, तानी कम्युनिटी है, तानी कम्युनिटी के लिए अलग सा छोटा सा टुकड़ा हमारा अलग कर दीजिए, हम तानी लैंड बनाएंगे, लेकिन इनके खुद की मांग को इनके अपने लोकल पॉपुलेशन में ही कोई सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, इसलिए ये धीरे 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 करके ये खत्म हो गया, टानी लैंड का मांग खत्म हुआ, एनसीएलटी बन, ये एनएलसीटी बना तो, और वो समाप्त हो गया। ठीक है, ये काउंसिल जो टानी लैंड के लिए बनाई थी लिबरेशन के लिए, वो नहीं चली, इसका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है इम्पैक्ट। ठीक है, दिक्कत मुख्य क्या है, दो अलग अलग संगठनों का उस एरिया में आना जाना, अरुणाचल प्रदेश की जो स्वयं स्वयं का जो उग्रवाद है वो उतना बदमाश, उतना परेशान करने वाला नहीं है जितना अगल बगल के जो दो राज्य है, एक नागालैंड और एक आसाम। तो आसाम में उल्फा है, जानते हैं आप अच्छे से, और नागालैंड का ऑर्गेनाइजेशन है एनएससीएन। ठीक है, समझ गए बात। तो ये दो लोगों का, वो लोग वहां कैंप बनाए हुए हैं, वहां पर आवाजाही करता है। अरुणाचल प्रदेश के दो या तीन प्रदेश है, दो या तीन ऐसे जो है वो है हिस्से हैं, मैं बता दूं आपको, जो सबसे नीचे वाले हैं, मैं दिखा देता हूँ इसको, एक मिनट जल्दी से दिखाना जरूरी है मैप में, अरुणाचल प्रदेश के ये जो तीन जिले देख रहे हैं ना अरुणाचल के, ये एक मिनट, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, यस सर, दिख रहा है ये सर। ठीक है,
ये जो तीन जी तीन जी सर ये बहुत महत्वपूर्ण जिले, लोहित जिला हो गया और चांगलांग जिला हो गया, ये सारे जो जिले हैं ना, एक तो ये म्यांमार के साइड में है, देखिए तो असम में अगर कोई घटना कर रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है, तो ये सबसे उसके नियरेस्ट एरिया यही पड़ा ना, यहाँ से कूद जाएगा, म्यांमार में निकल जाएगा, ठीक है। और फिर अगर चाइना की तरफ जाना है तो ये अरुणाचल प्रदेश का इस्तेमाल कर लेगा, समझ गए बात, आप भूटान का इस्तेमाल किया ही। तो ये समस्या मुख्य रूप से अरुणाचल की जो अपनी समस्या थी, जो कह रहे थे कि ये तानी लैंड इलाका हमारा अलग कर दीजिए, ये लगभग समाप्त हो चुकी है, ये उतनी बड़ी समस्या नहीं रह गई है। समस्या जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो यही है कि यहाँ पर जो है बाकी राज्यों में जो उग्रवादी संगठन है उनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, तो वो उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, इस बात को भूलिएगा मत। और क्या मैं आपको बता दूं, चलिए आप नागालैंड की समस्या, तो असम, नागालैंड और मणिपुर तीन मुख्य समझ गए तो आप नॉर्थ ईस्ट की समस्या को समझ जाएंगे। अब नागालैंड पर ध्यान दीजिएगा, 1947 में जो असम के गवर्नर थे उस समय, प्री इंडिपेंडेंस वाला बात हो रहा है, ठीक है, तो वो 9 पॉइंट समझौता, 9 पॉइंट एग्रीमेंट जो किया उन्होंने, और कहा कि हाँ हम आपको सब आपके मान्यता देंगे, आप लोग एकदम अलग है भाई, कल्चर आपका अलग है, आपका मान्यताएं सारी अलग है ना, तो आप अलग रहिए, आपको राष्ट्र बनना चाहिए, सही बात है, आपको अलग से रहना चाहिए, इस तरह का बात किया उन्होंने, बदमाशी किया, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, ठीक है। ब्रिटिश लोग इसको बहुत सपोर्ट भी किए उस इलाके को, आज भी देखेंगे तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन वहां देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो नहीं, मैं इसमें कोई गलत मत समझेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिश्चियन होना गलत है या क्रिश्चियन पॉपुलेशन होना गलत है, इतिहास का एक ये परिणाम रहा है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ठीक है, गलत नहीं समझेगा इस बात को। रिजेक्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन हमारी जो संविधान समिति थी, संविधान सभा थी ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने इस समझौते को मानने से इंकार कर दिया जब वो संविधान बनने लगा कि ये सब नहीं चलेगा, और इसीलिए 1950 में फिजो, वहां के संघर्ष के जो जन्मदाता है फिजो, उन्होंने शुरू किया कि हम नहीं मानेंगे ये रेजिस्टेंस, हमको अलग रहना है, इस तरह की बातें, ठीक है। और 1963 में इतना जरूर कर दिया गया, पहले वो असम का ही हिस्सा था, असम का ही एक जिला हुआ करता था, लेकिन 1963 में भारत का कि ठीक है हम आपको राज्य बना देते हैं, आपको एक सेपरेट राज्य बना देते हैं, लेकिन आप रहिए भारत के संविधान के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन गड़बड़ा गया मैटर और नागा नेशनल काउंसिल बनी, फिजो ने बनाया, ठीक है, और ये संघर्ष करते रहे करते रहे करते रहे, लेकिन तमाम तरह के प्रयासों के बाद फिर शिलोंग एकॉर्ड, शिलोंग समझौता हुआ, ठीक है, शिलोंग समझौता हो गया, ठीक है। असम और पहले सब एक ही, उसका उसका राजधानी सब वही शिलोंग ही था ना, घूम घुमा के असम मेघालय उस पूरे इलाके का सब राजधानी शिलोंग ही हुआ करता था, तो शिलोंग समझौता हुआ, उससे क्या है लोग नाराज हो गया, उसमें एक जो फिजो वगैरह था ना वो सब नाराज हो गया कि सर हम नहीं मानेंगे ये समझौता, जो ये सब ऐसे ही कर लिया गया, उल्लू बना दिया गया है, और इस प्रकार जन्म हुआ कि नहीं हम संघर्ष अपना जारी रखेंगे, एनएससीएन का, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसका वहां पर जो है इसका सृजन हुआ 1980 में, और वो ग्रेटर नागालैंड की मांग करने लगे, इसको नागालिम भी बोलते थे, नागालिम कहीं आ जाए तो याद रखिएगा, ग्रेटर नागालैंड क्या है ये देखिए, ये है ग्रेटर नागालैंड, वो कहते हैं, क्योंकि धैर्य रखिएगा थोड़ा, हाँ वो कहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा इलाका जो है भैया वो अलग कर दीजिए आप कृपा करके। कौन सा इलाका, बोला हम लोग सिर्फ नागालैंड में ही नहीं है, यही नहीं है खाली ना, हम यहाँ भी हैं, अरुणाचल में भी बहुत सारे में रहते हैं, थोड़ा मणिपुर में भी रहते हैं, और थोड़ा मैं ये इस असम के इलाके में भी रहते हैं, ठीक है। तो ये कहे कि पूरे को, ये पूरा रंग दे रहा हूं मैं, इस पूरे को मिलाकर हमारा ग्रेटर नागालैंड का सपना पूरा कर दीजिए आप, हम हमारा अपना अलग जो है वो सेपरेट सॉवरेन जैसा वो बताया कि हमारा होना चाहिए, और इसलिए इस पर जो है वो संघर्ष करते रहे। ग्रेटर नागालैंड वो मुख्य मुद्दा याद रखिएगा, नागालैंड असम का मुख्य मुद्दा याद हो गया, अरुणाचल का मुख्य मुद्दा आपको ध्यान आ गया, मैप से ही फायदा होता है। अब नागालैंड का मुख्य मुद्दा आपने अपनी आंखों से देख लिया कि अच्छा ये है इस यहाँ की समस्या, ठीक है। तो नागालैंड की मुख्य समस्या जो है ग्रेटर नागालैंड की डिमांड हमेशा से रही है, याद रखेंगे इस चीज को। अच्छा भाई, तो फिर हुआ क्या, उस बारे में कोई प्रोग्रेस हुआ क्या? हाँ हम बताते हैं आपको कि क्या हुआ फिर, ये देखिए जो है उसमें से भी अब जो एनएससीएन बना ना संगठन, पहले काउंसिल बनी, नागालैंड वाली काउंसिल बनी, उसके बीच समझौता हुआ, कुछ लोग समझौता नहीं माने, अलग हो गए और एनएससीएन बना लिए। एनएससीएन में भी बहुत समय तक संघर्ष जब चलता रहा, तो एक फैक्शन जो था उसका एक भाग था, एक ग्रुप, उन लोगों तैयार हो गए कि नहीं यार समझौता कर लेते हैं, छोड़ो ना इतना लड़ाई झगड़ा कब तक चलता रहेगा, वो समझौते के लिए भारत से तैयार हो, भारत सरकार से, और कुछ नहीं माने, उस आधार पर दो डिवीजन हुए, ये एनएससीएन आईएम और एनएससीएन के, ये कैप्लान, के फॉर कैप्लान और आईएम फॉर आईसैक एंड मुइया मुइवा, ये दोनों नेता हैं, ये तीनों लोग नेता के नाम पर पड़ा है, ठीक है, जिनके लीडर थे।
आईएम आता था जब बचपन में रहे होगे, तो इस तरह का न्यूज आया करता था, एनएससी एंड आईएम ने ये कर दिया, तो सब संघर्ष का जो बहुत बड़ा सर इसने बहुत उत्पात मचाया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फाइनली 2001 में कुछ थोड़ा बहुत सीज फायर हुआ, लेकिन मानने को तैयार नहीं, लड़ाई चलती रही चलती रही। फाइनली 2015 में नागा शांति समझौता हुआ, नागा शांति समझौता हुआ, आईएम जो है वो तैयार हो गया, लेकिन ये अभी भी नहीं माने, ये खापलांग वाले जो है वो अभी भी मान नहीं रहे उस चीज को, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एनएससीएन ने इस समझौते के तहत क्या किया कि जो अपना ग्रेटर नागालैंड का डिमांड था उसको ड्रॉप कर दिया और भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रतिज्ञा लेनी, ठीक है। तो थोड़ा उनको भी बहुत सारी चीजें मिली और उन्होंने बदले में ये चीज प्रॉमिस की। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, असम नंबर एक, नागालैंड नंबर दो, तीसरा मणिपुर, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जाने रहेगी इसको। मणिपुर का क्योंकि मुख्य समस्या क्या है, इसमें जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं मतलब, लेकिन मुख्य समस्या इसकी समझिए, इसका इतिहास समझिए क्या है कि कैंगलेप या कैंगले पाक करके जो है 1110 ईस्वी में एक साम्राज्य, एक डायनेस्टी ऐसी रही होगी, ठीक है, वो उस समय बनी थी। फिर क्या किया, जो ग्रेट ब्रिटेन, जो ब्रिटिश साम्राज्य आया ना, तो उसने एंग्लो मणिपुरी वार 1891 का आंग्ल मणिपुरी युद्ध हुआ उसमें हरा के इसको अपने कब्जे में कर लिया मणिपुर को। धीरे धीरे करते 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 1949 में भारत का हिस्सा बना लिया गया इसको, ठीक है, 1949 में मणिपुर इंडिया का हिस्सा हो गया। अब इससे दिक्कत क्या हुई कि बहुत सारे इससे जो असंतुष्ट थे जो ग्रुप, वो लोग आजादी आजादी और स्वाधीनता के चक्कर में जो है इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन खड़े होने लगे, जैसे ही 1949 में उनको बनाया गया, ठीक है। फिर ये देखते हुए कि ठीक है सबको इतना कंसेशन तो मिलता ही है, तो इसको ही, इसको भी दे दिया गया। 1972 में उसे एक राज्य का दर्जा भी दे दिया गया कि ठीक है आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन करिए, अपने सरकार बनाइए, अपने हिसाब से करिए, ठीक है। लेकिन फिर भी ये चीज शांत नहीं हुई, कुछ ना कुछ लगा ही रहा वहां पर, ठीक है। और इसलिए 1980 में मणिपुर को जो है वो एक डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया, डिस्टर्ब्ड एरिया, इसे वो रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ, डिस्टर्ब्ड एरिया इसे घोषित कर दिया गया। डिस्टर्ब्ड एरिया जब किसी को घोषित कर दिया जाता है तो क्या होता है जी, कोई बता सकता है? एआरपीएसपीए लग जाता है सर। बहुत ही बहुत सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सर, वहां पे अफस्पा लग जाता है। एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छा शानदार। तो वो हुआ, आपको याद होगा किसी किसी हस्ती का नाम बता सकते हैं जिसने भूख हड़ताल की थी? यस सर, इरोम शर्मिला, इरोम शर्मिला सर ना, ठीक है ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत याद रखिएगा, अभी आगे आएगा पता नहीं करें। तो फिर नागा नेशनलिज्म बगल बगल में बढ़ता जा रहा था। आपको याद है, याद है आपको कि मणिपुर अछूता नहीं है, देखिए इस चीज को, नागा लोग यहाँ जो हिली एरिया है ना भाई, समझिए हिली एरिया जितना भी है वो नागा लोग हिली एरिया में रहते हैं ना, नागा कुकी ये सब हिली एरिया के ट्राइब्स हैं। तो ये मणिपुर जो है उस आंदोलन से खुद अछूता नहीं रहा, तो जब बगल वाला भी जो है उस तरह का माहौल बनाए हुए है, तो यहाँ भी इंसर्जेंसी हो रही है, यहाँ भी उग्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है, इस प्रकार का जो है ओवरऑल माहौल वहां चलता रहा, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई आगे, मुख्य जो यहाँ के ट्राइब्स हैं, इस चीज को समझ लीजिए आप, देखिए ध्यान से, मेतेई, कुकी और नागा ट्राइब तीन मुख्य हैं, जिसमें मेतेई जो है वो हिंदूज हैं एसेंशियली, और वो मैदानी इलाकों में रहते हैं, ठीक। कुकी और नागा जो है वो पहाड़ी इलाकों के ट्राइब्स, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो कुकी ट्राइबल जो है वो अपना खुद का गुरिल्ला ग्रुप बनाने लगे, फिर अलग अलग जो है वो गुरिल्ला ग्रुप बनाने लगे, जो बाकी के जो आंदोलन, जो आंदोलनकारी संगठन थे वो तो थे ही, ये अपना ग्रुप भी खुद कुकी बनाने लगे, कुकी लैंड मांगने लगे, इस तरह का बात करने लगे, और बहुत सारे लोग मिलकर इकट्ठा आ गए, जिसको कॉरकॉम कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी, अलग अलग बहुत सारे अलग अलग जो संगठन थे ना वो इकट्ठा हो गए, हाथ मिला लिए सब लोग, साथ साथ में आ गए, तो कॉरकॉम बन गया। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं पूछ ले कि कॉरकॉम से आप क्या समझते हैं, या निम्नलिखित में से कॉरकॉम क्या है, ये शिप का नाम है, ये इस संगठन का नाम है, तो जाने रहिए। और अभी इसमें लेटेस्ट करंट अफेयर्स का बात करिए तो मणिपुर का, मणिपुर में जो करंट अफेयर्स का अगर जिक्र करें तो चंदेल अटैक हुआ जुलाई 2020 में ही, चंदेल नाम की जगह पर अटैक हुआ है, मैप पर लोकेट करिएगा गूगल मैप में जाके, ठीक है। और उसकी जिम्मेदारी ली है ज्वाइंट रूप से, संयुक्त रूप से जिम्मेदारी ली है आरपीएफ ने, आरपीएफ मतलब अपना वाला आरपीएफ नहीं, एमएनपीएफ और रिवोल्यूशनरी जो फ्रंट है उन्होंने जिम्मेदारी ली है, और उल्फा आई, एक और उल्फा आईएम, याद एनएससीएन आईएम आप जानते हैं, एनएससीएन आईएम हो गया, एनएसआईएन एनएससीएन के हो गया, जो उल्फा वो है नागालैंड के, कंफ्यूज मत होइएगा, जो असम वाला उल्फा था उसका ये एक फैक्शन है उल्फा, उल्फा आई फॉर इंडिपेंडेंट, कि वो अलग है स्वतंत्र, तो वो उल्फा जो है वो
उल्फा का ये सबसे बहुत खतरनाक वाला जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो ये लोग जिम्मेदारी सर लिया कि हमने अटैक किया। हाँ बताइए। हाँ सर, तो ये उल्फा और उल्फा आई दोनों अलग अलग है ना सर? हाँ पहले उल्फा का ये उल्फा इंडिपेंडेंट ऐसा फ्रैक्शन है, अलग अलग हो गया है, जो उल्फा का इंडिपेंडेंट फ्रैक्शन है ये टूट कर उससे अलग बन गए हैं, जी उल्फा आई कहलाते हैं अपने आप को। और देखिए उल्फा का मुख्य जी काम तो असम में है, लेकिन जी देखिए सर मणिपुर में भी हमला की जिम्मेदारी ले रहा है। तो ये सब हाथ मिला लिए थे एक्चुअली, बहुत सारे संगठनों ने हाथ मिला के काम कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जी सर थैंक यू सर आपको ध्यान होगा कि इन्हीं सब इससे पहले भी, इससे 2020 वाले अटैक से पहले भी कुछ 4-5 3 साल पहले शायद फिर अटैक हुआ, 18 में कुछ हुआ था अटैक, तब ये लोग जो घुस के मारा था, याद है, म्यांमार में जाके और फिर इंडियन आर्मी जाके। ये सर सर्जिकल आपको स्ट्राइक ध्यान ही होगा। पहले हाँ सर वो यस सर, 2015 में हुआ था, दो हजार एलएसबीएस पंद्रह में ने यस यस किया था यस यस बिल्कुल सही। तो जी सर वो भी ध्यान रखिएगा, ये सब जुड़ी हुई खबरें हैं। मिजोरम की समस्या अगर देखिए तो मिजोरम की मुख्य समस्या जो है वो ये है कि एक फैमीन आया था, दुर्भिक्ष पड़ा था एक, ठीक है, काल अकाल पड़ा था, उसमें जो असम गवर्नमेंट ने रिलीफ मेजर्स जो जो क्या बोलेंगे सहायता कार्यक्रम जो चलाया था उससे वो संतुष्ट नहीं थे। तो इमीडिएट ट्रिगर ये था, इस चीज को ध्यान रखेगा। वो पहले से ही परेशान थे असम के प्रभुत्व से, वो पहले से ही लोग परेशान थे, असंतुष्ट थे, लेकिन जो इमीडिएट ट्रिगर जो बना वो ये बना था कि अकाल पड़ा था 1969 में, और जो सहायता सामग्री सहायता किया गया उसमें बहुत भेदभाव का उन्होंने आरोप लगाया और उससे संतुष्ट नहीं थे कि तुम जब हमारा ख्याल नहीं रख पा रहे हो तो हमको अलग कर दो, हम अलग से रहेंगे फिर, ठीक है। और फिर एक और बहुत भयानक चीज हुई जिससे वो लोग थोड़ा सा जो है एकदम से ही एजिटेट हो गए, और वो हुआ कि असम को उस पूरे एरिया की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया, ठीक है, असमीज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तो इस प्रकार से मिजो नेशनल फ्रंट का गठन हुआ, वो अस्तित्व में आया, और लाल डेगा उसका जो अध्यक्ष बना था, ठीक है, इसकी एक स्टोरी भी है, बहुत बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, कभी बताएंगे कि कैसे जो वहां के थाना वाला ऐसे कुछ नाम था, उन्होंने अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दी थी कि आप देखिए राष्ट्र को तोड़ने का बात मत कीजिए, आप चाहिए तो आप सीएम बन जाइए, मैं नीचे उतर जाता हूँ। तो इस प्रकार की बहुत ही बढ़िया इंस्पायरिंग एक स्टोरी है, वो बताएंगे कभी। तो ईस्ट पाकिस्तान, यानी तब तो बांग्लादेश था नहीं, तो ईस्ट पाकिस्तान और चाइना के सहयोग से ये लोग क्या किए, ये लोग 1966 में, 66 ही लिखा है ना, एक मिनट, हाँ 1966 में ये लोग आर्म्ड अपराइजिंग कर दिया और बोला कि हम स्वतंत्र घोषित करते हैं अपने आप को, हम स्वाधीन है, अब हम भारत के अधीन नहीं है, हम स्वाधीन है। खैर भारत ने तुरंत ही उस पर उपाय लिया अपना, सारे उपाय किए और उसको कंट्रोल कर दिया, सारे आर्म अपराइजिंग को दबा दिया, उसमें कोई वो नहीं है। और 1986 में फाइनली मिजो समझौता किया गया, ठीक है, और जो मूवमेंट था वो उन्होंने आंदोलन छोड़ दिया, वो समाप्त हो गया, थोड़ा बहुत इंसर्जेंसी बची है मिजोरम में, लेकिन वो मुख्य रूप से जानते हैं क्या वो कहें, आपस के जो ट्राइब्स हैं उनकी जो राइवलरी है उसकी वजह से जो है ये कत्लेआम वगैरह की जो घटनाएं आती रहती हैं, वो अब आपस की वो जो सेपरेटिस्ट डिमांड है, अलगाववाद की डिमांड है, वो उतनी नहीं रह गई है, आपस के जो ट्राइब्स की लड़ाई है उस चक्कर में बहुत हो रहा है। जैसे ये जो ट्राइब है ना, रियांग ट्राइब जो है, यही जो है वहां त्रिपुरा में ब्रूस कहलाता है, इनको इधर मिजोरम में जो है रियांग बोलते हैं, वही ब्रू कहलाते हैं वहां पे त्रिपुरा में, ठीक है। तो ये जो है मिजो लोग जो पहाड़ियों में जो रहता है, ठीक है, ये जो क्रिश्चियन है, ऐसा आरोप लगाया रियांग ट्राइब के लोगों ने, आरोप लगाया कि जो मिजो लोग हैं, ये दिखाई देता हूं मैं आपको, ये मिजोरम है, यहाँ के लोगों ने ये आरोप लगाया कि जो मिजो लोग हैं वो पहाड़ी जो क्रिश्चियन लोग हैं वो हमारे ऊपर रिलीजियस परसिक्यूशन कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं धार्मिक हमारा। तो ये लोग भाग गया यहाँ से, यहाँ से भागा सबका सब, रिफ्यूजी हो गया, 30-40 हजार लोग यहाँ से चला गया, मिजोरम से चला गया, और कहाँ चला गया, त्रिपुरा, त्रिपुरा का नॉर्थ वाला जो इलाका है, त्रिपुरा का नॉर्थ, त्रिपुरा में कंचनपुर, याद रखिएगा नाम में जरूर, त्रिपुरा के नॉर्थ में, नॉर्थ त्रिपुरा में कंचनपुर का में बहुत बड़ा रिफ्यूजी कैंप इलाका है, वहीं पर जाके सब लोग, ब्रू लोग जो है, ब्रू जनजाति है, आदिवासी है, जो वहां जाके बहुत समय तक, 1999 में मुझे लगता है, 97 या 99 में समस्या शुरू हो गई थी, तभी पलायन हो गया था, और बहुत समय तक, 1997 में, राइट, 1997 में पलायन हो गया था इनका, बिल्कुल ठीक है। तो तब से ये समस्या जो है वो चली आ रही थी, अब जाके भारत सरकार ने अंतिम रूप से जो है 2018 में भी प्रयास हुआ था, 2018 में, लेकिन फिर 300-350 फैमिलीज ही खाली गए, डर के मारे वो गए नहीं। अब उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको यही समझ लीजिए ठीक से, ठीक है, वो अकॉर्ड कहीं लिखा तो था मैंने,
कैसे गया हो सकता है, भला तो यहीं का था। अभी शायद लास्ट ईयर ही हुआ है सर। हाँ बिल्कुल 2020 में ही हुआ है, मैंने इसमें लिखा भी जी था। सर, जनवरी जनवरी में सर। कोई सर बात सोलह नहीं, कोई जनवरी बात नहीं, 16 जनवरी। हाँ कोई वो इशू नहीं है। मुख्य बात समझ लीजिए कि 600 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है सरकार ने, इसमें नहीं मिल रहा है, मैं मुझे ध्यान में है तो मैं बता देता हूँ। 600 करोड़ रुपीज का पैकेज दिया है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास करने के लिए उनका ये पैकेज दिया गया है, जिसमें से 4 लाख रुपए का FD सबको दिया जाएगा, हर एक परिवार के लिए 4 लाख रुपए का FD हो गया। 2,000 रुपया महीना दिया जाएगा 2 साल, 5,000 रुपया महीना दिया जाएगा 2 साल तक, 1,50,000 रुपया दिया जाएगा घर के लिए। इस सब तरह का दिमाग में बैठ गया तो समझ पड़े थे, अभी इसमें लिखे थे लेकिन कहीं शायद डिलीट हो गया गलती से। तो आप देख लीजिएगा कि जो लेटेस्ट प्लान है गवर्नमेंट ने, जो किसके लिए प्लान है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कहीं आप लोग, मैं डर रहा हूँ इस चीज से भी। नहीं सर, ये ब्लू हाँ ये जनजाति के जो लिए। जो ट्राइब, हाँ मिजोरम के रहने वाले वो आदिवासी लोग, ब्रू जनजाति या रियांग जनजाति जो कि पलायन कर गए थे, उनको वापस अपनी जगहों पर बसाने के लिए ये पैकेज दिया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, खत्म। जी सर, मिजोरम की समस्या मुख्य रूप से समाप्त हो गई। त्रिपुरा, त्रिपुरा की क्या अपनी भी कोई समस्या है? हाँ, इसके इतिहास में ही है, इतिहास में समस्या नहीं है, जड़ है उसकी। ये दरअसल ये एक किंगडम हुआ करती थी, एक राजशाही परिवार, एक राजशाही हुआ करता था, तो इसलिए जब वो उनको जोड़ा गया तो वो कभी मान ही नहीं पाए कि किसी दूसरे के अधीनता में उनको रहना है। ठीक है, इसलिए 1970 से ही के 1970s के एंड से ही जो है, उसी दशक में जो है वो इंसर्जेंसी वहां शुरू हो गई। ठीक है, एथनिक टेंशन वगैरह के कारण बांग्लादेश का इन्फिल्ट्रेशन उनको बर्दाश्त नहीं था कि बांग्लादेश वाले आके आके बस रहे। बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है त्रिपुरा, ध्यान रखिएगा, हमको दिमाग में जनरली आता नहीं है, बाकी बाकी सब स्पार्सली पॉपुलेटेड है, लेकिन यहाँ जनसंख्या बहुत घनत्व तो अचानक से सरप्राइज कर देगा त्रिपुरा बहुत सारे मामले में। आप नॉर्थ ईस्ट का जो इमेज आप बनाते हैं उससे अलग जो है त्रिपुरा है थोड़ा। और फिर बने ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ठीक है, ट्राइब ने बनाया 1990 में, और इनका डिमांड है कि सोवरेंटी और डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, मुख्य रूप से ये कह रहे हैं कि जहां पर इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकालें। ठीक है, ये उनकी डिमांड है। लास्ट है मेघालय, हम ऐसे चले हैं, सब चीज के पीछे क्रम है, ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि ऐसे ही हो रहा है, हम लोग क्रम से चले हैं, ऐसे यहां से चले, ऐसे करते हुए हम आ रहे हैं, त्रिपुरा आ गए और अब मेघालय जा रहे हैं। ठीक है, इसी सर्कल में हमने पूरी उस चीज को समझाया है। तो जो मेघालय की समस्या है, मेघालय मैं कहूंगा कि सबसे कम अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर सबसे कम पीड़ित जो है उग्रवाद से मेघालय ही लगता है। ठीक है, बहुत सारे उसमें ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो है वो उतना उतनी समस्या नहीं है। 1971 में अलग हो गया था क्योंकि आप जानते हैं खासी, गारो और जयंतिया, ये जो जो हिल ट्राइब्स हैं वो चाहते थे कि हमारा अलग ही कर दीजिए भाई, हमको असम के साथ में नहीं रहना है, और अंततः ये बात मान ली गई थी। ठीक है, और ये है मेन उनका आउटफिट, सबसे इंपॉर्टेंट जो उग्रवादी ग्रुप समूह है वो ये है, और फिर अंत में उनकी बात मान ली गई और मेघालय को जो अलग कर ही दिया गया था। गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी अभी भी 2009 में चली रही है, सबसे एक्टिव है इस समय अगर देखा जाए तो, ये कह रहे हैं हमारा गारो लैंड भी अलग करो, और सब इस तरह की बातें जो है वो कुल मिलाकर सेपरेटिस्ट डिमांड ही होती रहती है। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, हमको सेपरेट मत दीजिए, लेकिन हमको उसी प्रकार के जो है स्वायत्त जिला बना दीजिए, हमको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अलग बना दीजिए। जैसे ये वाली जो है, ये वाला संगठन है, ये कहता है कि हमको 6th शेड्यूल में डाल दीजिए, बस छठी जो अनुसूची है उसके अनुसार हमें विशेष दर्जा जो है वो दे दीजिए। एक ये शब्द पूछा जा सकता है, जैसे कॉमकॉर था, कमिटी फॉर कोऑर्डिनेशन कॉरकॉम वाला था, वैसे ही एक संगठन ये भी लोगों ने मिलकर बनाया है, वेस्टर्न साउथ एशिया, तो इसमें इंडिया का ही लोग नहीं है, इसमें भूटान, इंडिया, भूटान, नॉर्थ बंगाल, म्यांमार, बांग्लादेश, इस सब इलाके में जहां जहां ये लोग लड़ रहे हैं उस सबका लोग इकट्ठा हो गया है और उन्होंने ये एक ग्रुप बना लिया है। ठीक है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट क्या है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आई हैं ये एक बार देख लीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार से बता ही दिया कि कैसे कैसे इंसर्जेंसी धीरे 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 कम होती जा रही है। इस न्यूज आइटम को खाली पढ़ लीजिएगा, मुझे लगता है आपको फायदा होगा। एक इनर लाइन परमिट सिस्टम जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि इसकी मांग क्यों क्यों हुई, इस पर क्या विरोध हुए और इस समय वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। रोहिंग्या डिस्प्लेसमेंट पर हम लोग बात कर चुके हैं, इसको बहुत अधिक और यहाँ बताने का फायदा नहीं है, अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिएगा। एंड आई थिंक दैट्स इट, मुझे नहीं लगता कि भूगोल और भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक ऑलमोस्ट तीनों यस, प्रकार से ऑलमोस्ट हम सब लोग हो गया। अभी से 30-40 सेकंड ही बचा हुआ है इसमें, एक मिनट। हाँ ऑलमोस्ट सब हो गया, कुछ छूट नहीं रहा। अगर आप लोगों को बात करना हो तो वी कैन क्रिएट वन मोर, अदरवाइज वी कैन फिनिश द टॉक टुडे। काफी सर, इनको डिटेल समय में दे देते काफी हैं सर, कुछ ये लोग तैयारी करें अपना सर, परसों
परसों हम लोग यस टेस्ट लेने यस वाले हैं सर, तो अभी पढ़ें और यस रिवाइज कर यस लें। यस यस जी सर, और बिकॉज डिस्कशन कुछ चालू मेरा रखिए नॉट ही सब कर बता दिया लीजिए गया। सर सर चलो ओके, ठीक है सर, सर थैंक यू। जी, प्रणाम सर, प्रणाम थैंक सर। यू सो मच सर।